हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो स्टार्ट करते कलम इंक से। तो कलम इंक के ब्रदर UK07 जो कि बिग बॉस में थे, उनको अभी एविक्ट कर दिया गया है। तो उसी से रिलेटेड कलम इंक एक स्टोरी डालता है। एल का बिग बॉस फिक्स्ड शो, याद रखेंगे, शेर आया था, जबरदस्ती निकालना पड़ा, वोटिंग करवाते, वहम तोड़ देता इनका अंदर तक। तो बात कर लेते हैं मृणाल शंकर के बारे में। तो इनका अमीरी ट्रैक अभी 2 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है। इसके अलावा हनी सिंह जो है वो सोनू निगम सर से मिले थे, तो अल्फाज की तरफ से एक पोस्ट देखने को मिली थी कुछ ऐसी। साथ ही हनी सिंह का हबीबती ट्रैक आउट हो गया म्यूजिक वीडियो के साथ में। तो अब बात कर लेते हैं पैंथर के बारे में। तो पैंथर जो है वो अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक स्टोरी डालता है। स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट मंथ यू विल नो व्हाट इज अप, फ्लाइंग टुवर्ड्स द सिटी इज कमिंग वेरी सून दिस ईयर ओनली 2024, वेरी सून, अनाउंसिंग इट वेरी वेरी सून। और मजा आने वाला है, बहुत सारा मजा आने वाला है। मैं कैसे गांड फाड़ता हूँ तुम बस देखते जाओ। तब बात कर लेते हैं रेजा के बारे में। तो MTV हसल Season 1 की एक कंटेस्टेंट थी जिन्होंने काफी टाइम से कोई म्यूजिक नहीं डाला था, ऑलमोस्ट जब से वो हसल में से निकली थी उसी के बाद से। तो अभी वो एक पोस्ट डालती है और बताती है कि काफी जल्दी उनका गाना आने वाला है, तो देखते हैं कब तक ये ट्रैक देखने को मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं मार्क भाटिया के बारे में। तो मार्क भाटिया, बिग बनी और दानिश रूमी का एक ट्रैक आने वाला है जिसका नेम है मोरनी, तो ये 9 जनवरी को देखने को मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं डीनो जेम्स के बारे में। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि मिस्टर फैजू के साथ एक इंटरव्यू देखने को मिला था डीनो जेम्स का, तो वहाँ पे वो एमिवे के बारे में तो काफी कुछ कहता है, पर जब कृष्णा की बारी आती है तो उन्होंने ज्यादा कुछ बात नहीं करी थी, तो इसके बाद से उनको काफी हेट मिल रहा था। तो वो लाइव आते अपने इंस्टाग्राम से और इस चीज के बारे में बात करता है। फैजू के साथ में आपको जाकर देख लेना, कुछ मेरे प्यारे भाई लोग थोड़ा हेट भी फैला रहे हैं। फैलाओ यार, हेट क्या है, मजे करो, टाइम पास। मुझे बहुत वो लगता है कि लोगों को ये हेट कमेंट सब लोगों से बहुत इफेक्ट होता है, मेरे को बहुत मजा आता है। इंटरव्यू देखा, इंटरव्यू में देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने? अब इंटरव्यू लेते वक्त जो जो इंसान पूछता है मैंने बता दिया, तो उसके भी ऊपर भी काफी लोग रिएक्शन है। जो सोचना है सोचो यार, जो बोलना है बोलो। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।